गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अच्छा जी, फ्रैक्शंस क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। वॉट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव अ केक, आपके पास एक केक है, ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कप केक। बड़े वाले केक की बात नहीं कर रहा, 2-3 पाउंड वाले कप केक की बात कर रहा हूँ। कप केक होता है ना, छोटा सा, ऐसे ऐसे ऊपर चेरी टाइप लगी होती है, चॉकलेट बनी होती है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ पेपर होता है, ठीक है। दिस कप केक, इस कप केक की बात कर रहा हूँ। वॉट एवर फ्लेवर यू चूज, यू चूज। ओके, और आप दो भाई बहन हैं, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, एंड बोथ ऑफ यू वॉन्ट टू ईट दिस कप केक। ओके, सो व्हाट यू डू इज, व्हाट यू डिसाइड, आप लोग अच्छे बच्चों की तरह डिसाइड करते हैं, यू विल स्प्रेड द कप केक इन हाफ एंड ईच ईट इट। कप केक को इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और दोनों जने खाएंगे आराम से, ठीक है। सो व्हेन यू स्प्रेड द कप केक इन हाफ, व्हाट यू डू इज यू मेक फ्रैक्शंस ऑफ दिस कप केक। ये जो ओरिजिनली होल कप केक था, इसको हाफ और हाफ में बांट देते हो, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि आपने कितने पार्ट्स में बांटा। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोगों में कितना कितना बांटा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो दिस टाइम अपने पास एक बड़ा केक है, ठीक है। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, लेट मी मेक अ प्रॉपर रेक्टेंगल फॉर यू। ओके, अब की बार अपने पास एक बड़ा केक है, एंड वी आर डिवाइडिंग दिस केक फर्दर इनटू फ्यू पार्ट्स। ओके, सो इन ऑल टोटल वी हैव डिवाइड दिस केक इनटू 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 इक्वल, ठीक है। नाउ लेट सी, एक ग्रीडी बॉय है सुभाष। सुभाष जी ने इसके 2 पीस खा लिए, तो उसने कितना खाया केक? 2 out of 12, 2 pieces out of 12 pieces, इतना केक खाया सुभाष जी ने। सपोज देयर वॉज अनदर ग्रीडी गर्ल विनी, विनी एक लड़की थी, उसने इसमें से 4 पीस खा लिए, 4 out of 12, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 पीस सुभाष ने खा लिए थे, 4 पीस विनी ने खा लिए, ओके, तो कितने पीस बचे, कितने पीस कंज्यूम हो गए? 1, 2 सुभाष ने खा लिया था, 3, 4, 5, 6 विनी ने खा लिया, तो कितने पीस बच गए, कितना केक बच गया? 6 out of 12, इतना केक बच गया, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन में क्या करता है, डिनोमिनेटर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने इक्वल पार्ट्स की, ओके। न्यूमरेटर ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने पार्ट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, कितने पार्ट्स हम लेके चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज रिगार्डिंग दिस ओनली। आपके पास कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द शेडेड रीजन हमको डिटरमाइन करना है कि क्या फ्रैक्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज एक्सरसाइज 6.1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन करना है, तो फर्स्ट वाले के लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये रहा फर्स्ट वाला, और इसमें दिस इज द शेडेड रीजन।
ये शेडेड रीजन हो गया। ओके सो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वी विल डिटरमाइन कि कितने इक्वल पार्ट्स है। ध्यान रखो इस चीज में इंटरेस्टेड है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ओके और कितने रीजन शेडेड है, 1 रीजन इज शेडेड। इस तरह से दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं, बाकी क्वेश्चन आप सभी खुद से ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके पास एक ऐसे रेक्टेंगल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके इस तरह से लाइंस हैं एंड इसके नीचे के तीन बॉक्सेस जो हैं ये शेडेड हैं। ये शेड कर दिया। तो अगर सभी बॉक्सेस का एरिया बराबर है तो वी आर आस्क्ड अबाउट द फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिनोमिनेटर में आएगा 7। कितने बॉक्स शेडेड हैं, 3 बॉक्स शेडेड हैं, तो 3/7 आपका फ्रैक्शन बनेगा। ओके इन द सेम मैनर एक और क्वेश्चन लेते हैं, डी पार्ट और बता देता हूं मैं फटाफट से, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डी पार्ट में हमारे पास एक सर्किल है। ओके और इस सर्किल में 1 2 3 थ्री डायमीटर्स बने हुए हैं सर्किल के। दिस इज 1, दिस इज 2, एक्चुअली 4 डायमीटर्स, दे आर 4 डायमीटर्स फॉर द सर्किल। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और इस तरह से इस सर्किल के कुछ डिवीजन हुए हैं। आउट ऑफ ऑल दिस डिवीजन्स 2 ऑफ द डिवीजन्स हैव बीन शेडेड। दो डिवीजन जो है शेड कर दिए गए हैं। दिस इज शेडेड रीजन। And then this is shaded region. सारा का सारा शेडेड रीजन है। ओके सो हमको डिटरमाइन करना है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। फ्रैक्शन में राइट डाउन करने के लिए टोटल नंबर देखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 है और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा कितना रीजन शेडेड है, 3। ओके सो ये तो हुआ हमारा फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। बाकी क्वेश्चन आप इसके खुद से ट्राई करना। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं फटाफट। सेकेंड पार्ट इज कलर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग इन टू फ्रैक्शन गिवन अगेंस्ट ईच। तो हमको क्या है कि कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन against each। ठीक है तो यहां पे आई विल टेक ओनली 2 ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, बाकी सारे के सारे आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट ले रहा हूं मैं। इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव अ रेक्टेंगल और उसके अंदर दो लाइनें बनी हैं। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जब आप अपने कॉपी में करेंगे, होमवर्क कॉपी में बाकी के क्वेश्चंस, तो आप उसमें डायग्राम बना के करेंगे। ये ऐसे दो लाइनें खींची और साथ में फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/3। ठीक है तो हमको क्या करना है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 1 2 3 वी कैन सी देयर आर टोटल 3 पार्ट्स।
और उसमें से किसी भी एक पार्ट को हमको शेड करना है। तो आई विल टेक एनी वन ऑफ द पार्ट, यू कैन टेक ऊपर वाला पार्ट ले सकते हो, नीचे वाला पार्ट ले सकते हो, दैट इज सोलली अप टू यू। अच्छे से नीटली कलर से उसे शेड करना, ठीक है, कलर से करना, इट विल लुक गुड। ठीक है, इसी तरह से लेट मी टेक लास्ट पार्ट। अगेन यू हैव अ रेक्टेंगल और उस पर डायगनल बनाया है। अगेन आपके पास फ्रैक्शन लिखा है 1/2, तो एज यू कैन सी देर आर ऑलरेडी टू पार्ट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड वी हैव टू शेड वन पार्ट। ओके, बहुत ही इजी है, शेडिंग ही करना है बस। तो ये वन पार्ट शेड किया और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत सारे सर्कल्स हैं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक सो मेनी सर्कल्स, बट क्वेश्चन नंबर थ्री में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी सर्कल शेडेड, तो आपको ये बताना है कि इतने जितने भी सर्किल हैं उसमें से कौन कौन से कितने सर्किल शेडेड हैं। तो इन टोटल यू हैव 10 सर्किल्स और आउट ऑफ दोज 10 सर्किल्स आपके पास 4 और 3 7 सर्किल शेडेड हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इन दिस मैनर ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके देखिए। ठीक है, आराम से हो जाएंगे, बढ़िया से डायग्राम बना के देखिए, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, आज बस इतना ही, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।